नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राममोहन शर्मा। और आपकी आवाज में आज बात एक ऐसी योजना की जो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके पीछे सरकार की सोच भी अच्छी है, लेकिन इस योजना में लग गया है लापरवाही का घुन। ये योजना है उज्ज्वला योजना, और कैसे लगा इसमें लापरवाही का रोग, हम इसी पर बात करेंगे। क्या राजनीति में ऊंचे पदों पर रहने वाला कोई व्यक्ति हिंदुस्तान जैसे देश में गरीब हो सकता है? क्या किसी राजघराने से ताल्लुक रखने वाला परिवार गरीब हो सकता है? अगर हां, तो भी शायद आपको दिमाग पर जोर डालने के बाद भी उस परिवार या शख्स का नाम याद नहीं आएगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं एक ऐसे शख्स का नाम जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे और फिर सवाल उठाएंगे। लेकिन ये सवाल सिर्फ उन एक शख्स या परिवार पर नहीं उठेगा, बल्कि सरकार की इस योजना पर भी उठेगा जो गरीबों के लिए बनाई गई है। ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं। इनके बेटे जयवर्धन सिंह विधायक हैं। इनका पूरा परिवार ही मध्य प्रदेश के राघवगढ़ का राज परिवार है, लेकिन ये गरीब है। इतने गरीब कि परिवार का नाम गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की सूची में है, और अपनी इच्छा से गैस पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ने वालों की बढ़ती तादाद को देखते हुए गरीब परिवारों के लिए गैस चूल्हे देने की जो उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार ने शुरू की है, वायदा पाने वालों की उस फेहरिस्त में इनका परिवार भी दर्ज है। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि दस्तावेज कह रहे हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के महासचिव और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह गरीबी रेखा के नीचे आते हैं? उनके एमएलए बेटे जयवर्धन सिंह भी बीपीएल कैटेगरी में ही आते हैं। यकीनन आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है। न सिर्फ दिग्विजय सिंह बल्कि दिग्विजय सिंह का पूरा परिवार, उनकी दिवंगत पत्नी आशा सिंह का नाम भी बीपीएल की लिस्ट में है। और इसका खुलासा तब हुआ जब सर्वे के आधार पर केंद्र सरकार की गरीब परिवारों को रसोई गैस सब्सिडी पर देने की योजना के लिए गैस एजेंसी को बीपीएल में शामिल नामों की सूची भेजी गई। राघवगढ़ की गैस एजेंसी में जैसे ही ये सूची पहुंची, तो पता चला कि लिस्ट में राघवगढ़ राज परिवार का नाम भी शामिल है। और जब खुलासा हुआ तो ना जाने कितने महकमों और चेहरों पर पड़ा नकाब उठ गया। जब मामला सार्वजनिक हो ही गया तो दिग्विजय सिंह सफाई देने सामने आए। उनके मुताबिक, मैंने कभी बीपीएल के लिए आवेदन नहीं दिया, ये मेरे खिलाफ एक सियासी साजिश है। इस गड़बड़ी में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन मामला बड़ा है। केंद्र सरकार की योजना से लेकर राज्य सरकार के मातहत महकमों की कारगुजारी से लेकर राघोगढ़ के राज परिवार यानी दिग्विजय सिंह के परिवार पर सवाल खड़े हो गए। आखिर ये कैसी गरीबी है? ये तो दिग्विजय सिंह जी के लिए ही सवाल है, वो ही जवाब दें कि वो कहाँ से गरीब है। अभी तो दिग्विजय सिंह मानसिक रूप से गरीब दिखते हैं। वैसे तो गरीब होना नहीं चाहिए, पर अब किस आधार पर गरीब हैं और किस आधार पर उन्होंने आवेदन किया और किस आधार पर उनके कार्ड बने हैं और किस आधार पर वो ये सब गरीबी रेखा वाली सुविधाएं लेना चाहते हैं, ये तो इसके बारे में दिग्विजय सिंह जी ज्यादा अच्छी तरीके से बता सकते हैं। अक्सर विवादों में घिरने वाले दिग्विजय सिंह पर बीजेपी के तंज बड़े गहरे हैं, लेकिन बात प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता की है, इसीलिए पूरी कांग्रेस दिग्विजय सिंह के बचाव में उतर आई। बीपीएल सूची में जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जी का, उनके लड़के का और उनकी स्वर्गीय पत्नी का नाम आया है, ऐसा लगता है कि ये राज्य सरकार द्वारा एक साजिश रची गई है। और लगातार पिछले 12-13 सालों से दिग्विजय सिंह के खिलाफ षड्यंत्र ये सरकार करती आई है। इन सारे मामलों की जांच होनी चाहिए और इस तरीके से एक सभ्य व्यक्ति को बदनाम नहीं करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि कितनी लापरवाही है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री, इतना प्रतिष्ठित परिवार प्रदेश में जिसने इतने साल सेवा की हो, लगातार कर रहे हैं, उनका बेटा भी एमएलए है, उसका भी नाम उस लिस्ट में आ जाता है। इस सरकार की कितनी ज्यादा लापरवाही भी है और कितनी ज्यादा घोर अंधेर है, ये भी दोनों बातें साथ दिखती है। उन्होंने ट्वीट करके कहा, मुझे इसे आवश्यकता नहीं है, और जो लिखा है वो साजिश के तहत सही है। मामला सरकार की योजना और प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। सवाल योजना से लेकर प्रशासन और खुद दिग्विजय सिंह पर उठ रहे हैं।
अव्वल तो ये कि आखिर दिग्विजय सिंह और उनके परिवार का नाम बीपीएल लिस्ट में कैसे आया? क्या बीपीएल सूची में नाम जोड़ते वक्त या बाद में कोई छानबीन नहीं होती? उज्ज्वला योजना की लिस्ट में पूर्व सीएम और विधायक का नाम कैसे शामिल हुआ? उज्ज्वला योजना की लिस्ट कितनी लापरवाही से तैयार की गई? आखिर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना ऐसे हालात में कैसे पहुंची? क्या राज्य सरकार का प्रशासनिक अमला लापरवाही से काम कर रहा है? दिग्विजय सिंह और उनके परिवार को गड़बड़ झाले की भनक क्यों नहीं लगी? क्या दिग्विजय सिंह का नाम और भी किसी तरह से इस्तेमाल हो रहा है? और अगर हो रहा है तो जांच कौन करेगा? आखिर कैसे हुई इतनी बड़ी चूक और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या राघोगढ़ का राज परिवार खुद या प्रशासनिक अधिकारी या फिर केंद्र और राज्य सरकारें? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अर्जी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुख्य प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के, और साथ ही सुप्रीत कौर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। इस मसले में तीन पहलू हैं, या तो ये कह दीजिए कि अधिकारियों ने बहुत गलती की, या फिर ये कह दीजिए कि ये बीजेपी की साजिश है, सरकार की साजिश है दिग्विजय सिंह को बदनाम करने की, या फिर दिग्विजय सिंह ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए लिस्ट में नाम डाला ताकि सरकार की किरकिरी हो। इन तीनों पहलुओं के आधार पर हम ये चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ ये भी बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी योजना या गरीबों के हित की योजना क्या सियासत के लिए इस्तेमाल की जाएगी? सुप्रीत कौर जी, क्या कहेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगी, मैं दिग्विजय सिंह जी के जो उन्होंने बयान दिया है उस पर ये कहना चाहूंगी कि जब ये सनसनीखेज खुलासे करते हैं तब तो ये बहुत चौड़े होके ये कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं, जबकि आज तक इन्होंने जो भी बोला वो उस बोलने के कारण भी ये हंसी का पात्र बने, और कभी भी कुछ भी इन्होंने बिना किसी सबूत के इन्होंने बहुत से बयान दिए, और आज तो सबूत सामने है। दूसरी बात, अगर बीपीएल कार्ड अगर इनके नाम पर बनता है तो बीपीएल कार्ड इनके घर भी पहुंचा होगा, तब ये अधिकारियों को बुलाकर ये बोल सकते थे कि ये गलती से बना, आप इसको ठीक करिए, मेरा नाम उस लिस्ट में से काटिए। ये कभी नहीं होता कि आपका बीपीएल कार्ड बना हो और आपको इस बात की जानकारी ना हो कि आपका बीपीएल कार्ड बन गया। अगर किसी अधिकारी ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी को अगर खुश करने के लिए भी ये काम किया है तो ये मैं ये मानती हूँ कि ये बहुत दुखद है, क्योंकि दिग्विजय सिंह के टाइम पे हर तरीके की धांधली होती थी, हर तरीके का भ्रष्टाचार था, और वो अब ये सामने आ गया है कि आज भी कहीं ना कहीं अपना रुतबा दिखाते हुए उन्होंने इस तरीके का बीपीएल का कार्ड बनवाया, और अब ये राज्य सरकार की गलती, आप ये कह रहे हैं कि सरकार की गलती नहीं है, निकालने की पुरानी आदत बन गई है, इसमें जानबूझकर करवाया है, में झांकना चाहिए। के मिश्रा जी, राममोहन साहब, यह घटना इस बात को प्रमाणित कर रही है कि मध्य प्रदेश में एक निर्वाचित सरकार नहीं सर्कस काम कर रहा है। मैं स्पष्ट कर दूं कि माननीय दिग्विजय सिंह जी गरीब नेता नहीं, गरीबों के नेता हैं। उनका पूरा परिवार इनकम टैक्स पेई है, और वो भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं की श्रेणी में शामिल नहीं है कि जिनके पास पंचर जोड़ने के पैसे नहीं थे और आज ऑडी गाड़ी में घूम रहे हैं। वो शुरू से राज परिवार के सदस्य रहे हैं, और दिग्विजय सिंह जी इस मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की भ्रष्ट सरकार के हमेशा निशाने पर रहे हैं। सरकार उन्हें बदनाम करने की कोशिश करने के तहत एक शिगुफे को लेकर आई है, ताकि कांग्रेस पार्टी जो अन्य भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रही है हाउस में या अन्य सोलोवर फ्लोर पर या सड़क पर, उनको किसी भी तरह दिग्भ्रमित करके मामले को टर्न कर दिया जाए। मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी के पास तमाम एजेंसियां हैं, उनके पास इंटेलिजेंस है, गृह विभाग, उनके गृह मंत्री जी बहुत ताकतवर गृह मंत्री जी अभी उन्होंने बनाए हैं, वे तमाम एजेंसियों से दिग्विजय सिंह जी के आवेदन को, जिसमें उन्होंने बीपीएल के लिए आवेदन किया है, उनके परिवार ने आवेदन किया है, उसको जनता के बीच लेकर क्यों नहीं आते हैं? ये बड़ा सवाल है। लेकर आते हैं, मैं आता हूं, मैं वापस आता हूं, जवाब जरूरी है, इसकी जवाब जरूरी है। सुप्रीत कौर जी,
ये प्रश्न तो बनता है कि अगर आवेदन हुआ और बिना आवेदन के तो किसी लिस्ट में और किसी भी योजना में किसी का नाम नहीं आता, और अगर आवेदन हुआ तो वह आवेदन पत्र दिग्विजय जी के हस्ताक्षर, जयवर्धन सिंह के हस्ताक्षर, उनकी दिवंगत पत्नी के हस्ताक्षरों के साथ क्या पेश करने की स्थिति में है सरकार? देखिए, ये जिस तरीके से ये मामला उठा है, इस तरीके की अगर आवेदन उन्होंने करे होंगे तो वो जरूर सरकार के जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें होंगे और वो सामने आ जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी पर भी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी ने भी ऐसा आरोप नहीं लगाया, लेकिन अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो दिग्विजय सिंह जी की ये बहुत पुरानी आदत है कि वो मुंह खोलते हैं और कुछ भी बोल देते हैं, किसी के बारे में भी उठ के कुछ भी बोल देते हैं। तो उनका नाम सरकार कहीं भी डाल देगी क्या, ये भी बताइए ना। कई बार देखा, अगर वो जो बयान देते हैं उनका उनकी नहीं, नहीं, ऊपर आपत्ति, मैं फिर से कह रही हूं, दर्ज कराते हैं उनके ऊपर, आपकी पार्टी के लोग आलोचना भी करते हैं, जो अच्छे बयान होते हैं उनकी तारीफें भी जाती हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर वो बयान देते हैं तो इसका मतलब ये कि उनका नाम बीपीएल लिस्ट में डाल दिया जाएगा। आनंद, मैं आपके पास आता हूं। सुप्रीत जी, आनंद पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आनंद जी, ये मसला जहां तक मेरी समझ में आ रहा है, या तो इसके पीछे कोई बड़ी साजिश चल रही है, वो बीजेपी कर रही, कांग्रेस कर रही है, अलग मसला है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अधिकारियों ने किस तरीके की गलती की है। दिग्विजय सिंह का नाम मध्य प्रदेश तो छोड़ दीजिए, देश भर में सारे लोग जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री है और किस राजघराने से उनका ताल्लुक है। क्या बीपीएल में नाम डालते वक्त अधिकारियों की कलम थम नहीं जाती कि हम किसका नाम लिख रहे हैं? राममोहन जी, मैं इस बारे में दो बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि ये हिंदुस्तान में कोई पहला अनोखा मामला नहीं है। इसके पहले भी आपने कई बार देखा होगा कि राष्ट्रपति के नाम से कहीं लाइसेंस बन गया या किसी सोनिया गांधी के नाम पे कहीं कोई कार्ड बन गया। ये कई दफे खुद मीडिया भी इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन करते रहा है। इसके पहले की बात कर रहा हूं मैं, हालांकि इसका कोई स्टिंग ऑपरेशन से या मीडिया से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन इस टाइप के कार्ड बनते रहे हैं ये बताने के लिए कि सरकारी अधिकारी कितनी लापरवाही से काम करते हैं। तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश में भी ये जो मामला हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही का मामला है। मैं दिग्विजय सिंह को कोई क्लीन चिट देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन जितना मैं उनको जानता हूं, जितना व्यक्तिगत तौर पर उनको जानता हूं, जितना उनको एक राजनेता के तौर पर जानता हूं, मुझे नहीं लगता कि वो बीपीएल कार्ड में अपना नाम जुड़वाने की कोई कोशिश करेंगे या आवेदन देंगे। नहीं, लेकिन मसला किरकिरी का है, क्या इसके पीछे किसी सियासी साजिश की तरफ इशारा हो सकता है? आनंद जी, देखिए, अब ये जांच का विषय है, ये एक लंबी चौड़ी जांच का विषय है कि क्या होता है, क्यों ऐसा हुआ, क्या कांग्रेस के ही किसी असंतुष्ट गुट ने उनका नाम जोड़वा दिया या बीजेपी की साजिश है या सरकार ऐसा कर रही है, इसके बारे में अभी कोई कमेंट करना मुझे लगता बहुत जल्दबाजी होगा। और इसकी अगर जांच होती है, हाँ ये बात जरूर है कि जांच होनी चाहिए और ये मसला सामने आना चाहिए कि इतनी गंभीर लापरवाही, जैसा आपने खुद अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि दिग्विजय सिंह एक जाना माना नाम है कांग्रेस का, हिंदुस्तान की राजनीति का, उनका नाम भी अगर कोई अधिकारी जोड़ देते हैं बिना देखे तो फिर उनकी कार्यशैली पर सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। जी के मिश्रा जी, एक मसला ये भी है इसके साथ साथ जो साथ साथ चल रहा है वो ये है कि दिग्विजय सिंह जी तमाम मसलों को उठाते रहते हैं, सरकार की चूक हो, सिस्टम की चूक हो, लेकिन इस बार उनका खुद का नाम सामने है और बीपीएल लिस्ट में है। क्या आपको लगता है कि उतनी गंभीरता के साथ उन्होंने इस मसले पर ध्यान नहीं दिया? जब मीडिया इस मसले को उठा रहा है तब उनका ध्यान इस पर जा रहा है और फिर वो ट्वीट करके सफाई दे रहे हैं। राममोहन साहब, देखिए, दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं जी, वो किसी मंडल या ब्लॉक के अध्यक्ष नहीं हैं जी, और मैं तो सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने नौकर भ्रष्ट नौकरशाहों के माध्यम से उनका नाम सिर्फ बीपीएल सूची में डलवाया है, सरकार तो उन्हें जेल में डालना चाहती है। मगर दिग्विजय सिंह जी एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो कांग्रेस परिवार के मुखिया हैं, कांग्रेस पार्टी की पहचान है। मैं उस परिवार के एक सदस्य के नाते सरकार को चुनौती देता हूं जी कि सरकार दिग्विजय सिंह जी या उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति का बीपीएल सूची में शामिल करने के लिए दिया हुआ आवेदन पत्र सार्वजनिक करे, ठीक है, नहीं तो उसने के कलेक्टर को सस्पेंड करे। वो जो पैसा लेने के लिए पैसा देकर जा रहा है वो जायज है कि अधिकारियों की गलती है, लेकिन मसला यह है कि जयवर्धन सिंह भी विधायक है,
और वो क्या इन चीजों की मॉनिटरिंग नहीं करते हैं कि कहां पर नाम आ रहा है, लिस्ट बनकर जा रही है? उनके विधानसभा क्षेत्र का भी मसला है उनके साथ साथ। राम मोहन जी, अधिकारियों की गलती तो है ही, अधिकारियों की गलती तो है ही, अधिकारियों को पनाह देने वाली सरकार की भी गलती है। उन्होंने दिग्विजय सिंह को लज्जित करने के लिए यह षड्यंत्र किया है और यह एक प्रायोजित षड्यंत्र है जिसमें राजनेता और नौकरशाह शामिल है। सुप्रीत कौर जी, देखिए मैं यहां पे ये कहना चाहूंगी कि पहले तो दिग्विजय सिंह जी कोई ऐसी इमेज नहीं रखते हैं मध्य प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या माननीय मुख्यमंत्री भाई शिवराज जी को कोई उनसे कोई खतरा हो, क्योंकि उन्होंने आज तक अपने हाथ से ही जो कुछ किया है ना, वो देखते हुए हमें कोई उनसे कोई ऐसा डर नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके पीछे पड़ गई। और हमारी सरकार को इतना समय भी नहीं है, अपने विकास के कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इतना समय नहीं है कि दिग्विजय सिंह जी के इस तरीके के मुद्दे हम उठाते रहे और उस पर हम बहस करते रहे। ये जो कार्ड बना है, जब उनका लड़का वहां से विधायक है, दूसरी बात है वो अपना रुतबा दिखाते हैं, जिस जगह से वो बिलोंग करते हैं वहां के अधिकारी उनसे डरते हैं, दबते हैं, और इस तरीके से डरा धमका के उन्होंने ये सब चीजें उन्होंने तैयार कराई हैं। ये बीपीएल कार्ड, आप ये कह रहे हैं कि अधिकारियों की गलती है और इस तरीके की है, ये बीपीएल कार्ड जिस तरीके से बना है, हाँ। ये बन के उनके घर में ही पहुंचा होगा। ये कैसे मान लें कि ये कार्ड उनके घर तक नहीं पहुंचा और उनको इसकी जानकारी नहीं है, जब सारा वहां पे जो व्यक्ति 10 साल किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, उस व्यक्ति से अधिकारियों का, और ये तो माना जाता है कि दिग्विजय सिंह जी के अधिकारी। अच्छा, ये बताइए सुप्रीत जी, और बड़े एक बार ये भी बताइए कि अधिकारी किसके हाथ में है, दिग्विजय सिंह के हाथ में कहीं ना कहीं, या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथ में? अधिकारियों पर कंट्रोल किसका चल रहा है? अधिकारियों पर दबाव डालकर उन्होंने ये काम किया है जी। देखिए एक बात बताएं, किसी सरकार को इतना समय नहीं होता कि वो अपना समय खराब करके इस तरीके के काम करेगी। ये जो सरकार में बार बार लांछन लगाने का प्रयास किया जा रहा है, मैं ये मानती हूँ कि ये बड़ी छोटी बात है अगर कोई इस तरह की बात करता है। मैं आपके पास वापस लौट के आता हूँ, लेकिन उससे पहले आनंद पांडे जी एक सवाल का जवाब करते हैं कि उनकी नहीं नहीं मैं आपके पास लौट के आ रहा हूँ। नहीं नहीं, वो खुद ऐसी हरकतें करते हैं कि समाज के सामने वो मुंह दिखाने के लायक ना रहे। देखिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास आनंद पांडे जी। एक सवाल ये है कि जयवर्धन सिंह खुद विधायक हैं, अगर दिग्विजय सिंह इन चीजों को नहीं देख पा रहे हैं तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके घर के बारे में उनके परिवार के नाम बीपीएल कैटेगरी में लिखे जा रहे हैं, ये नाम कटवाने के लिए या नाम आ गए हैं, ये जानकारी कम से कम एक विधायक को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, अपने घर के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। देखिए रामोहन जी, आप बहुत सैद्धांतिक बात कर रहे हैं, व्यावहारिक तौर पर देखें तो ऐसा हो नहीं पाता है। बहुत दिक्कतें होती हैं कि तमाम तरह की सूचियां होती हैं, तमाम तरह की जानकारियां होती हैं। अब कोई विधायक, मैं चाहे वो जयवर्धन हो या एक्सवाईजेड कोई भी हो, मैं किसी पार्टी या किसी नेता के पक्ष में खड़ों के बात नहीं कर रहा हूं, ये हमको समझना होगा कि क्या बीपीएल सूची मान लीजिए गुना में बन रही है तो क्या वो बुलवाएंगे घर पे, चेक करेंगे कि क्या मेरा नाम तो नहीं जोड़ा गया है, आप बताइए कहीं। ये मुझे लगता है व्यवहारिक बातें नहीं है। और मैं ना यहाँ पे के मिश्रा जी से सहमत हूँ ना मैडम से सहमत हूँ जो दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए ये बात भी सही है कि यहाँ पे शिवराज जी काम कर रहे हैं, वो भी इतने छोटी चीजों में साजिश करेंगे, दिग्विजय सिंह को फंसाने की कोशिश करेंगे, मैं इससे भी कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मेरा मानना है बतौर जर्नलिस्ट, बतौर पत्रकार, बतौर संपादक, मुझे लगता है कि यह सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही है जिसकी वजह से यह मामला सामने आया है। लेकिन मसला ये भी है आनंद जी, इसके साथ साथ सुप्रीत कौर जी, मैं अब इस सवाल के साथ सामने आता हूँ कि क्या ये सीधे तौर पर अगर अधिकारियों की गलती है, दोनों पार्टियों की साजिश अगर ना भी माने, अगर सीधे अधिकारियों की गलती है तो क्यों भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहती कि दिग्विजय सिंह के दबाव में जिन अधिकारियों ने काम किया या किसी और के दबाव में जिन अधिकारियों ने काम किया उनके ऊपर सीधी कार्रवाई होगी? ये एक योजना का सीधा सीधा मजाक उड़ा रहे हैं आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई होगी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि कार्रवाई ना हो। और मैं चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि जिन भी अधिकारियों ने इस तरह का कार्य किया है, चाहे वो दबाव में किया हो, चाहे वो गलती से किया हो, उनके ऊपर बिल्कुल उचित कार्रवाई बिल्कुल करी जाएगी और जल्द से जल्द करी जाएगी। ये सुप्रीत कौर जी, लेकिन इसके साथ साथ एक एक चीज इसके समानांतर जो ये भी चल रही है कि उज्ज्वला योजना अगर इस तरीके से चलेगी कि कमरों में बैठकर अधिकारी अगर लिस्ट तैयार करेंगे, ये देखेंगे नहीं कि किसकी कोठी कितनी बड़ी है और उसको हम फ्री में गैस कनेक्शन देने जा रहे हैं,
तो क्या ये पटरी पर रहेगी वो योजना, उन गरीबों को उनका हक मिल पाएगा जिनके लिए बाकी सरकार ने योजना शुरू की है? देखिए, एक अगर गलत उदाहरण होता है उसका मतलब ये नहीं है कि पूरे प्रदेश में योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो गलत हो रहा है। हमने भी ये देखा है कि लाखों हितग्राहियों ने ये योजनाओं का लाभ उठाया है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो ये अंत्योदय के जो मेले लगते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि कितने लाखों लाख लोग आके उसमें इतने तादाद में शामिल होते हैं और इन योजनाओं का लाभ लेते हैं। तो हमने ये हर पूरी जो प्रोसेस है इसमें कोई दो चार अगर इस तरीके के केस आते हैं जहां पे कोई व्यक्ति अपने पद और अपने जो जगह का गलत फायदा उठाकर और उसके बाद अपना पावर दिखाकर और इस तरीके से अधिकारियों से कोई गलत काम कराता है, उसको एक व्यक्ति की गलती के कारण हम ये नहीं कह सकते कि मध्य प्रदेश में जो योजनाओं का जो क्रियान्वयन है। लेकिन एक चीज का कितना महत्व होता है मिल रहा है, ये हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखा है कि भारतीय जनता वो हर बार कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति सब्सिडी छोड़ेगा गैस सिलेंडर पर तो दूसरे गरीब के घर में चूल्हा हम जला सकेंगे। वो अगर एक एक चीज का उदाहरण देते हैं और एक एक जोड़कर दो बनाते हैं, दो जोड़कर चार बनाते हैं, मैं ये कहती हूँ कि तो फिर एक गलती कैसे माफ की जा सकती है? क्योंकि मिश्रा जी इस पर क्या कहेंगे? देखिए राममोहन जी, पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी कहेंगे कि वो चीज छोड़ दो तो जनता क्यों छोड़े। नरेंद्र मोदी जी तो अपने घर में बहुत महत्वपूर्ण चीजों को छोड़ के बैठे, तो हम लोग भी छोड़कर बैठे, ये कोई औचित्य समस्या पर है? और जहां तक सरकार को उनकी नीतियों के क्रियान्वयन का प्रश्न है, आदरणीय बहन जी खुद कंफ्यूज हैं। वो कह रही हैं कि दिग्विजय सिंह जी से अधिकारी डरते हैं, फिर दूसरा शब्द वो बयां कर रही हैं कि दिग्विजय सिंह जी से अधिकारियों के अच्छे संबंध हैं। यदि दिग्विजय सिंह जी से अधिकारियों के आज भी संबंध हैं या अधिकारी डरते हैं तो मुख्यमंत्री इस प्रदेश की कौन, दिग्विजय सिंह जी है कि आदरणीय शिवराज सिंह जी हैं? और शिवराज सिंह जी यदि हैं, यदि शिवराज सिंह जी हैं तो वो ऐसे अधिकारियों के दम पर सरकार चला रहे हैं जिन्हें सिर्फ पैसे गिनने के अलावा याद नहीं है कुछ भी। अधिकारियों को डराकर काम करना शिवराज जी का तरीका नहीं है। सम्मानित प्रवक्ता के खुद शब्दों में कंफ्यूजन है। नहीं नहीं, आप क्या चाह रही हैं? आप इतने लिप्त हो गए हैं इतनी चमचागिरी करने में अपने नेताओं की, आप ये भूल गए हैं कि एक जो सरकारी अमला होता है वो दोनों दलों के जो नेता होते हैं उनको अब्लाइज करके चलता है। आपके चमचे के लिए और दूसरे में आप अंदर देखिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल, हमारे पास समय बहुत कम है, एक आखिरी सवाल मैं आनंद जी से करता हूँ, फिर समाप्त करूंगा। जी जी आनंद जी, एक सवाल ये है कि क्या हम उम्मीद करें कि ऐसी गलतियों के बीच अधिकारियों को सबक लेने की जरूरत है? और उज्ज्वला योजना पटरी पर रहेगी, वाकई गरीबों को उनका हक मिलेगा, या फिर अधिकारियों को कुछ और अलर्ट होकर काम करने की जरूरत है? नहीं देखिए, राममोहन जी मेरा यह मानना है कि इस तरह की लापरवाही अधिकारियों की पहली बार सामने आ रही हो ये नहीं है। ऐसा होता रहा है। आप देखिए, मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे कोट करना चाहूंगा। आप देखिए, किसी शहर में अतिक्रमण तोड़े जाते हैं जी, 10-20 साल बाद नगर निगम को या प्रशासक को या कलेक्टर को या कमिश्नर को ध्यान आता है कि साहब यहाँ पे इंक्रोचमेंट होगा, इनको आप तोड़ दीजिए, और वहां पे जाके रातों रात घर वालों को बेघर कर दिया जाता है। कोई बड़ी बस्ती, बड़ी कॉलोनी, बड़े मकान कोई रातों रात नहीं बन जाते हैं। वहां पे बिजली का कनेक्शन होता है, वहां पे पानी का कनेक्शन होता है, वहां पे तमाम एड्रेस प्रूफ होते हैं। तो ये सब अधिकारियों की मिलीभगत से लापरवाही के साथ ही होता है, और अचानक एक दिन सरकार को होश आता है, वहां पे तोड़ देते हैं, वहां पे तोड़फोड़ मच जाती है। तो क्या होता है, हमारे असल में जो अधिकारियों के अकाउंटेबिलिटी तय होना चाहिए, जवाबदेही तय होना चाहिए, वो हम कोई एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाते हैं कि आपने ये गड़बड़ की इसलिए आपको ये सख्त सजा दी जाएगी। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सस्पेंशन होगा और बाद में नौकरी में आ जाएंगे वो। तो जब तक हम कोई कड़ा अनुशासन, कड़ा मामला हम सामने नहीं लेके आएंगे, तब तक अधिकारियों की लापरवाही इस तरह से चलती रहेगी। और देखिए, अभी मध्यप्रदेश में ऐसा हो रहा है, तमाम फर्जी राशन कार्ड की बात आ रही है जी, कि तमाम जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बनना चाहिए उन लोगों को उनके राशन कार्ड बन गए हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, कोई अनोखी बात नहीं है जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। और उम्मीद यही करेंगे कि अगर इस तरीके की लापरवाही है इतनी बड़ी योजना में, तो उसी लेवल पर फिर कार्रवाई भी हो और ये जिम्मेदारी भी तय हो कि इतनी बड़ी लापरवाही इसके बाद दोबारा करने की अधिकारी हिम्मत न दिखा सके, वो चाहे लापरवाही की वजह से हो या फिर किसी के दबाव की वजह से, ये तय होना चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आपकी आवाज जारी है।